Welcome back to my channel Exam Snap. Today we are introducing another major theory of IR that is liberalism. The main objective of liberalism is to create peace through international organizations. This is the very first theory foundation. They have Western political thought and optimistically they thought. Liberalists both optimistically sourced Western political thought rakte hain. और उनका मेन ऑब्जेक्टिव मेन मोटिव है पीस को कायम करना पीस को क्रिएट करना थ्रो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। लिबरलिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया बिफोर वर्ल्ड वॉर वन जब उनको पता चला कि वॉर के पीछे मेन कॉजेस क्या हैं जब उन्होंने रिसर्च की उनको पता चला कि द मेन कॉजेस ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्स आर ड्यू टू देयर कोस्टल बेनिफिट्स सेल्फ डिफेंस एंड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप उनको ये मालूम हुआ कि वार या तो कोस्टल बेनिफिट्स के तहत होती है या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स के तहत सेल्फ डिफेंस के लिए या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को कायम करने के लिए कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे की के में आकर अपना सेल्फ़ डिफेंस बढ़ाने के लिए वेपन्स बनाते हैं जिससे दूसरे कंट्रीज़ को इनसिक्योरिटी होती है फिर वो कंट्रीज़ अपने वेपन्स को बढ़ाते हैं हर एक अपनी पावर को बढ़ाने के चक्कर में लग जाता है जिसकी वजह से स्टार्ट होते हैं वॉर होती है लिबरलिस्ट कहते हैं कि कोस्टल बेनिफिट सेल्फ डिफेंस ऑटोक्रेटिक लीडरशिप और एंड नो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट एंड अलाइंसिस ये सारी चीज़ें जो है चांसेस ज़्यादा बढ़ाती हैं वॉर को होने के लिए अगर ये सारी चीज़ें ना हों तो वॉर नहीं होगी चांसेस ऑफ वॉर बहुत कम हो जाएंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे वो कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए अगर कोई कंट्री अपने पावर को ना बढ़ाए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को कायम करने के लिए दूसरी कंट्री को ख़ुद से कम नहीं समझे अपनी ताकत को ना दिखाए दूसरे के सामने और कोई डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो ही ना सिस्टम का ना ही यह अलाइंसिस हों जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बनाती है कि अगर उसके ऊपर कल को कोई कंट्री अटैक करे तो दूसरे कंट्री से उसे सपोर्ट करें तो ये सारी चीज़ें अगर ना हो तो चांसेस ऑफ वॉर ख़त्म हो सकते हैं ऐसा लिबरलिस्ट का सोचना है अकॉर्डिंग टू लिबरलिस्ट ह्यूमन नेचर इज़ पीस ह्यूमन नेचर लिबरलिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो पीस लविंग नेचर है ह्यूमन की इंसान पैदा की बहुत एक जो है क्या कहते हैं काइंड नेचर के साथ हुआ है ह्यूमन की नेचर में वार कॉन्फ्लिक्स और ये सारी चीज़ें नहीं हैं एग्रेशन सेल्फिशनेस ये सारी चीज़ें स्टेट और इन्वायरमेंट इंटरनेशनल नरीना का जो है वो इंसान को ह्यूमन नेचर को ऐसा बनाता है ऑलमस्ट बिलीव डेट प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल विथ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इंटर थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों के तहत पीस कायम हो सकता है लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें ना हो तो हम पीस कायम कर सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जैसे कि हमारे पास यू है यू अभी पीस मैंटेनिंग के प्रोसेस करती है दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्फ्लिकसन एंड रेजोल्यूशनस को सॉल्व करवाती है। तो यही वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ना हो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हद तक पीस को मेंटेन कर सकती है इसके साथ साथ ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी विल बी यूनिफाइड विथ पीस वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी अगर इस एक जैसी हो जाए सबका सिस्टम जो है एक तरह से चले पीस को कायम करने के लिए अगर सारे स्टेट ये सोचे कि हमें पीस को कायम करना है और अपने अपने इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ आपस में जोड़ दें और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा बना लें तो पीस वेल श्योरली स्टेबलिश्ड पीस ज़रूर कायम होगा इसके साथ साथ लिबरलिस्ट कहते हैं कि सेल्फ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत कंट्रीज़ जो है आपस में कोऑर्डिनेशन कायम कर सकते हैं सो आर्टिकल नंबर टेन ऑफ लीग ऑफ नेशन वॉज इन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम लीग ऑफ नेशन जो है आर्टिकल टेन लीग ऑफ नेशन का कलेक्टिव सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है और नेटो जो है कलेक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी को हमें बताता है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब ये सारी वॉर और कॉन्फ्लिक्टार्ट हुए थे इन सब को एक पीस कायम करने के लिए ताकि आगे कल को कोई वॉर ना हो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशंस कायम की गई थी लिबरलिस्ट की मेन आइडियोलॉजी है ओपन डिप्लोमेसी वो कहते हैं कि ओपन डिप्लोमेसी होनी चाहिए कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के इंटरेस्ट को शेयर करें और उन्हीं पे वर्क करें पावर बढ़ाना या मिलिट्री बढ़ाना डजेंट मेक सेंस फॉर डैम ये कहते हैं कि बस पीस को कायम करो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ और पीस खुद ही कायम हो जाएगा इनका कंसेप्शल फ्रेमवर्क है हारमोनी ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट को देखा जाए फिर इस थ्योरी में कुछ फ्लॉज भी हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन डेमोक्रेसी नॉट इंट्रोड्यूस इन मैनी कंट्रीज़ वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए ये बहुत सी कंट्रीज़ जो है उसी वही ओल्ड कॉन्फ्लिक्शंस का शिकार रहीं वही उनकी लड़ाई कॉन्फ्लिक्शंस स्मॉल प्रॉक्सी वॉर्स चलती रहीं न्यू ऑटोक्रेटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस नॉन एज फाशिज़म एंड नाजिजम न्यू ऑटोक्रेटिक सिस्टम जो है आ गया जिसका हम नाम आपने सुना होगा फाशिजम एंड नाज़म जिसकी वजह से मज़ीद जो है क्या कहते हैं हिटलर का जो नाजी सिस्टम आया था आपको पता है उससे कितने लोग लोगों की जान चली गई थी ये सिस्टम जब आया तो इसके बाद इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गई और ये लोग फेल हो गए पीस को क्रिएट करने में और ये इट बिकम्स द मेन टूल ऑफ़ वार फ्रॉम वेयर वर्ल्ड वार टू स्टार्टेड अब अगर यहाँ बात की जाए तो लिबरलिज्म के हमें यहाँ पे डिविजन्स बताइए कि लिबरलिस्ट के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं लिबरलिज्म कहता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कायम करो और पीस को क्रिएट करो स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों इम्पोर्टेंट हैं फिर कहते हैं कि ह्यूमन नेचर पीस लविंग है काइंड है एग्रेसिव और सेल्फिश नहीं है ये रियलिज्म के बिल्कुल जो है क्या कहते हैं रायर्लीस से एक अपोज़िट है ह्यूमन नेचर एग्रेसिव नहीं है ये कहते हैं पीस लविंग और काइंड है। ह्यूमन के नेचर में वॉर कॉन्फ्लिक्ट है फिर वही ये कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए यानी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी होनी चाहिए अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कंट्रीज़ को आपस में कॉप्रेशन कायम करना चाहिए फिर ये कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए हर एक कंट्री को दूसरी कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए इन अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अब हम बात करते हैं आइडियालिजम वर्सेस लिब्रलिज़म लिब्रलिज़म आइडियालिजम से किस तरह से जो है आइडियाज़ अपने शेयर करता है लिबरलिज कहते हैं लिबरलिज्म में फ्रीडम ऑफ राइट्स एंड इक्वालिटी की बात की जाती है जबकि आइडियलिज्म कहता है कि ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ही इनको अचीव कर सकती है हम इन चीज़ों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते जैसे कि वुड्रो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश किया लेकिन लास्ट में क्या हुआ वो फेल हो गए पीस को क्रिएट करने में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्योंकि स्टेट जो है वो ही मेन एक्टर्स है अकॉर्डिंग टू तो रियलिस्ट वही सब कुछ करेंगे वही हर एक एक्टिविटी को देख सकते हैं अपनी कंट्री के लिए अपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी स्टेट को प्रॉपर वे में नहीं चला सकती वो कॉन्फ्लिक्शंस और एक हद तक प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर सकती हैं लेकिन वो किसी कंट्री को टोटली लुक आफ्टर नहीं कर सकती कि किसी कंट्री में वार हो कॉन्फ्लिक्ट्स हों तो वो उसे रोक दे इसलिए ये थ्योरी फेल हो गई इसलिए वुड्रो विल्सन ने जब लीग ऑफ नेशंस बनाई तो उनका टोटली यही एम था कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पीस को क्रिएट करें जो कि फ़ेल हो गई बाद में अब न्यू लिबरलिज्म जैसे हमने रियलिज्म का पढ़ा था कि रियलिज्म थोड़ा आउटडेटेड वर्जन था और न्यू रियलिज्म थोड़ा अपडेटेड वर्जन था इसी तरह लिबरलिज्म थोड़ा आउटडेटेड है न्यू लिबरलिज्म जो है वो थोड़ा अपडेटेड वर्जन है न्यू लिबरलिज्म वही बात करते हैं लेकिन वो कहते हैं कि एन आर की देर इज़ एन आर की बट इट इज़ एग्जेग्रेटेड ये कहते हैं कि एन आर की तो है लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इसको हाईलाइट किया जा रहा है नॉट मच इम्पॉर्टेंट इट सीम्स और हाईलाइटेड ये कहते हैं कि स्टेट शुड फोकस ऑन एब्सोल्यूट पावर यानी कि अपने स्टेट को अपने मीन्स देखने चाहिए अपने इंटरेस्ट देखने चाहिए रादर दैन टू फोकस ऑन अदर्स एक्टिविटीज़ और अदर स्टेट्स एक्टिविटीज के दूसरे क्या कर रहे हैं ये कहते हैं कि स्टेट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट कहते हैं स्टेट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं स्टेट्स को अपने लिए सोचना चाहिए इसी तरह न्यू रियलिज़म एंड न्यू लिबरलिज़म में क्या डिफरेंसेस हैं वो हम आपको बताते हैं देर इज़ मिस ट्रस्ट ऑन अदर स्टेट्स न्यू न्यूरियलिज़म कहते हैं कि उनको स्टेट्स को आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है देर इज़ अ मिस ट्रस्ट एंड न्यू लिबरलिज़म कहते हैं कि पॉजिटिव सम सीकिंग है यानी कि जैसा सोचोगे वैसा होगा पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सम सीकिंग है आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा ये ज़्यादा मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ को फेवर करते हैं उसके बाद न्यू रियलिज्म कहते हैं सीकिंग रिलेटिव गेंस एंड दस बाय अश्योरिंग लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ये कहते हैं कि रिलेटिव गेंस होने चाहिए यानी कि दोनों को इक्वली जो है क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म सर्वाइवल्स हमेशा के लिए कायम रह सकते हैं दी अदर हैंड ये कहते हैं टेंग टुगेदर स्टेट्स दो बाय मल्टी एग्रीमेंट्स टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ एग्रेशन ये कहते हैं कि भाई एक साथ एक टाई म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होने चाहिए बाय म्यूचुअल होने चाहिए बाय मल्टीलेटरल होने चाहिए जिसमें दोनों को इक्वली प्रॉफ़िट हो इक्वली लॉस हो जिसकी वजह से इन एग्रेशन जो है वो कम होगा बट ये कहते हैं कि भाई जो है क्या कहते हैं अपने फ़ायदे के लिए सोचना चाहिए मिलिट्री पोस्टरिंग क्रेड्स एंड अनएक्सपल क्लेम्स मिलिट्री वेपन्स इज पावर ये कहते हैं कि भाई मिलट्री बढ़ाओ वही पावर है स्टेट को स्ट्रांग बनाना है पावरफुल बनाना है तो मिलट्री को बढ़ाओ न्यू लिब्रलिस्ट कहते हैं कि इकोनॉमी जो है वो पावर है स्टेट की इकनॉमी को बढ़ाओ इकनॉमी को इस्टेब्लिश करो अगर इकनॉमी इस्टेब्लिश होगी तो ही स्टेट जो है स्ट्रांग होगा और पावरफुल होगा स्ट्रैथनिंग कैपेबलिटीज़ यूज़ ऑफ स्ट्रैथनिंग कैपेबिलिटीज ड्यू टू परसिव्ड सिक्योरिटी डेलेमा ये कहते हैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएँ अपनी कैपेबलिटीज़ को बढ़ाएँ सिक्योरिटी डेलेमा को एक एम्फोसाइज करने के लिए कि आपकी सिक्योरिटी जो है ये टोटली totally कहते हैं कि मिलिट्री फोर्स पर हमारी सिक्योरिटी बेस करती है सीकिंग इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी थ्रू कॉपरेशन प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक पीस ये कहते हैं कि बस इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी होनी चाहिए इंस्टीट्यूशनस हमारे इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए इतने कैपेबल होने चाहिए कि वो जो है ख़ुद ही डेमोक्रेटिक पीस जो है प्रमोट करें और स्टेट टू स्टेट पीस को कायम करें अच्छा आप मैं आपको बताऊँगी कि व्यूज़ एंड एम्फेसाइजेज ऑफ रियलिस्ट न्यू रियलिस्ट एंड लिबरल लिबरल न्यू लिबरलिस्ट कि इनके व्यूज़ और क्या क्या चीज़ें डिफ़र करती हैं क्या चीज़ें इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं सबसे पहले तो ह्यूमन नेचर की बात करते हैं रियलिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो बहुत रियलिस्ट पेसिमिस्ट हैं तो ये सोचते हैं कि भाई जो ह्यूमन नेचर है वो सेल्फिश है सेल्फिश है सेल्फ इंटरेस्टेड है कॉम्पिटिटिव है एंड एग्रेसिव है जबकि लिबरलिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो बहुत काइंड है कैपेबल ऑफ इनलाइटेंड है कॉप्रेशन पीस लविंग इन नेचर वो कहते हैं कि भाई ह्यूमन नेचर बहुत ही काइंड है बहुत अच्छी है कॉपरेटिव है पीस लविंग है अपनी नेचर में कोर कॉन्सेप्ट इसका रियलिस्ट का कोर कॉन्सेप्ट है पावर ये कहते हैं कि पावर जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वही जो है कन्फ्लिक्ट को आगे लेके के साथ या तो जितवा सकता है आपको पावर होगी तो आप कॉन्फ्लिक्ट से जीत सकते हैं अदरवाइज़ नहीं जीत सकते ये कहते हैं कि कॉपरेशन और इंटर डिपेंडेंस होनी चाहिए कंट्रीज़ आपस में कॉपरेट करेंगे और इंटर डिपेंडेंसी होगी तो वॉर ही नहीं होगी ही नहीं होंगे इसके बाद लार्जली ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल कहते हैं कि भाई सर्वाइवल ही हमारे लिए सब कुछ है अगर हमारा सर्वाइवल है तो सब कुछ है इसलिए सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें भी इनको सही लगें ये करते हैं इनका भी लार्जली ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल है बट इन देंस टू क्रिएट पीस फर्स्ट इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पीस को साथ रखते हुए सारी चीज़ें हों इवन सर्वाइवल भी हो तो वह पीस को कायम करते हुए हो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस में रियलिस्ट का है परशू सेल्फ़ इंटरेस्ट एक्सपेंड प्रिजर्व प्रेजेंस ऑफ पावर ये कहते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए स्टेट्स को अपनी पावर बढ़ाइए अपनी मिलिट्री को बढ़ाएँ अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करें और स्टेट इस्ट्रांग ऑटोमेटिकली हो जाएगा रेबुलरस्ट कहते हैं कॉपरेशन टू अचीव म्यूचुअल इंटरेस्ट ये कहते हैं कि कंट्रीज़ को आपस में कॉपरेशन बढ़ानी चाहिए अपने अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए ताकि दोनों कंट्रीज़ अपने अपने इंटरेस्ट को हासिल कर सकें इसके बाद ये कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट सिस्टम सेंट्रल एंड इनएविटेबल ये कहते हैं कि भाई वॉर इनएविटेबल है कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है वो कभी ख़त्म नहीं होगी इंटरनेशनल अरिना से एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेंगे ये कहते हैं सेंट्रल बट नॉट इन एविटेबल बट देर आर वेज टू इग्नोर वॉर ये कहते हैं कि वॉर सेंट्रल तो है एक ऐसी चीज़ तो है जो हमेशा रहेगी लेकिन कुछ ऐसे वेज़ हैं कुछ ऐसे रेमेडीज़ हैं जिनके थ्रू हम वार को इग्नोर कर सकते हैं उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में रियलिस्ट कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्कियल है जबकि लिबरलिस्ट कहते हैं कि एन तो है लेकिन ग्रोइंग ऑर्डर भी साथ साथ एक चल रहा है कि वो एन से हट के भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं मेन कॉज ऑफ़ कॉन्फ्लिक्ट रियलिस्ट कहते हैं कि स्टेट्स परसुइंग कॉन्फ्लिक्टिंग सेल्फ़ इंटरेस्ट वो कहते हैं मेन कॉज ऑफ़ कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि स्टेट्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सेल्फ़ इंटरेस्ट रखते हैं अपने कि उनको इंटरेस्ट ही उनके ऐसे हैं कि उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगे लिबरलिस्ट कहते हैं लैक ऑफ सेंट्रल प्रोसेस टू रेगुलेट कॉम्पिटिशन वो कहते हैं कि जब कॉम्पटिशन ही नहीं होगा तो फिर वार किस बात की बेस्ट पाथ टू अचीव क्रिएट पीस ये कहते हैं कि अचीव बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं कि भाई बैलेंस ऑफ पावर को कायम करो तो पीस कायम रहेगा वरना नहीं रहेगा ये कहते हैं इंक्रीज इंटर डिपेंडेंस कॉपरेशन एंड एडरेंस टू इंटरनेशनल लॉ ये कहते हैं कि भाई इंस्टीट्यूशनस को आप आगे रखें इंस्टीट्यूशनस ऑर्गेनाइजेशंस और कॉपरेशन ये चीज़ें जो हैं वो आगे जाके वो पीस को कायम कर सकती हैं और इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करें तो स्टेट्स जो है पीस को कायम करके आगे बढ़ सकते हैं अब रियलिस्ट की की ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट्स वो कहते हैं कि स्टेट्स जो है वो की ऑर्गेनाइजेशन से स्टेट ही सब कुछ करते हैं स्टेट नहीं हो तो कुछ भी सिस्टम कोई भी सिस्टम सही तरह से वर्क नहीं कर सकता स्टेट मेन एक्टर्स हैं और उधर लिबरलिस्ट कहते हैं कि एन जी ओज आई ओज़ नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट्स ये तीनों ही मेन एक्टर्स हैं तीनों वर्क करेंगे तो पीस क्रिएट होगा और इंटरनेशनल अरिना में एक्जिस्टेंस और सर्वाइवल रहेगी उसके बाद मोरालिटी रियलिस्ट कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट इज़ स्टेट्स मॉरल इम्पेरेटिव कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट ही मोरल moral, मोरालिटी है वही स्टेट की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ये कहते हैं कि डिफाइन एंड फॉलो कॉमन मोरल स्टैंडर्ड्स वो कहते हैं कि सारी चीज़ें एक साथ एक सेमत में चलनी चाहिए एक लीगल वे में चलनी चाहिए मोरल और कॉमन स्टैंडर्ड्स भी साथ होने चाहिए तो ये थी लिबरलिज़म जिसको हमने डिस्कस किया रियलिज़म एंड लिबरलिज्म को हमने आपस में जो है कंपैरिजन भी किया कि रियलिस्ट जो है वो बहुत ही पैसमिस्ट अपनी सोच रखते हैं और लिबरलिस्ट जो है वो ऑप्टिमिस्टिकली सोचते हैं लेकिन रियलिस्ट जो है वो उनकी जो थॉट है उनकी जो थिंकिंग है वो रियलिटी को बेस करती है ऑन दी अदर हैंड लिबरलिस्ट जो है जो उनकी थिंकिंग है ऑप्टिमिस्टिकली हम सोचते हैं लेकिन जो रियलिटी है इंटरनेशनल अरिना की जो इंटरनेशनल वर्ल्ड की रियलिटी है वो हमारी रियलिस्ट बेस्ड है सो रियलिज़म इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंड मेजर वन सो फोकस ऑन द रियलिज़म फर्स्ट एन लिब्रलिज़म थैंक यू